हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एक कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए दोस्तों, आइए आज आप लोगों के समक्ष क्लास 11th का फोर्थ लेक्चर से लेकर आए हुए हैं आप लोगों के समक्ष, जो कि है यूनिट एंड टेम्परेचर कंजर्वेशंस या इंटर रिलेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मेरे वीडियो को अगर नए आए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब कर ले। और चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज पढ़ेंगे बाबू, यहाँ पर आज पढ़ने वाले हम लोग बाबू मात्रक ताप में रूपांतरण, मात्रक ताप के रूपांतरण और इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं यूनिट एंड टेम्परेचर इंटर रिलेशन। क्या लिख सकते हैं बाबू? यूनिट एंड टेम्परेचर इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशंस। मात्रक ताप के रूपांतरण यूनिट एंड टेम्परेचर इंटर रिलेशंस को हम समझने वाले हैं। अगर मान लेते हैं कोई भी डाटा बाबू अगर सेल्सियस में दे दिया रहे तो कैसे हम लोग फ़ारेनहाइट में स्केल में चेंज करते हैं, अगर फ़ारेनहाइट स्केल में दे दिया रहे तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर फ़ारेनहाइट स्केल में दे दिया रहे तो केल्विन स्केल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज के लेक्चर्स में हम यही सीखने वाले हैं। लेकिन बाबू यहाँ पर कोई भी अगर सेल्सियस स्केल में दे दिया रहे तो केल्विन स्केल में कैसे चेंज करेंगे, अगर केल्विन में दे दिया रहे तो सेल्सियस स्केल में कैसे चेंज करेंगे, यह सिर्फ ट्रिकली बेस पढ़ेंगे। यानी कोई भी सेल्सियस स्केल में दिया है तो केल्विन स्केल से बहुत आसानी पूर्वक से में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले का हम लोग होता है बाबू सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल स्केल, और दूसरा का हम लोग पढ़ते हैं बाबू केल्विन स्केल। क्या पढ़ते हैं बाबू? केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। क्या पढ़ते हैं बाबू? केल्विन स्केल। और तीसरा का हम लोग पढ़ते हैं बाबू फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। क्या पढ़ते हैं बाबू? फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। इस तरह लिख लेंगे FAFAH रेन हाइट, फ़ारेनहाइट स्केल। और सेल्सियस स्केल को कुछ सिंपल दे देते हैं कुछ ऐसे, और फ़ारेनहाइट केल्विन स्केल को यहाँ पर क्या लिख देते हैं बाबू? के लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? के। और फ़ारेनहाइट स्केल को कुछ सिंबल हम लोग दे देते हैं बाबू 0F, कुछ ऐसे। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक समझ गए? तो इसका कुछ फार्मूला होता है बाबू, यहाँ पर फार्मूला पहले देख लेते हैं उसके बाद ट्रिक टेक्निक पर हम बात करेंगे। अगर केल्विन स्केल को अगर सेल्सियस स्केल में दे दिया रहे, अगर केल्विन स्केल में आपको पूछे तो फार्मूला होता है बाबू सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल और प्लस यहाँ पर होता है बाबू 273। कितना होता है बाबू? 273। अगर सपोज डेट मान लेते हैं सपोज डेट कि अगर फ़ारेनहाइट आपका सेल्सियस स्केल में दे दिया रहा है और पूछे फ़ारेनहाइट स्केल में निकालिए, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू यहाँ पर F बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस यहाँ पर कितना होता है बाबू? 32। क्या होता है? 32। ये भी आपका सूत्र है, इस तरह भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या बताने वाले हैं बाबू? एक ट्रिक बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? एक ट्रिक बताने वाले हैं कि कितना आसानी पूर्वक से आप लोग सेल्सियस से केल्विन स्केल में और केल्विन से सेल्सियस स्केल में कैसे हम लोग बहुत आसानी पूर्वक से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या होता है बाबू, यह ट्रिक क्या होता है? ट्रिक अब जरा ट्रिक जान लीजिए। यहाँ पर होता है K माइनस 273 अब बट्टा 5 बराबर होता है बाबू C/5 और बराबर होता है F-32/9।
एफ माइनस 32 बटा क्या होता बाबू 9। यह ट्रिक होता है, क्या होता बाबू ट्रिक। अगर कुछ याद नहीं रहे तो यह ट्रिक याद रहे तो कोई भी डाटा अगर सेल्सियस स्केल में दिया है तो केल्विन स्केल में चेंज कर सकते हैं, और केल्विन स्केल में दिया है तो सेल्सियस स्केल में चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी पूर्वक से। देखिए बाबू, अगर मान लेते हैं केल्विन स्केल में दिया है और सेल्सियस स्केल में पूछ रहा है, तो केल्विन स्केल वाला ले लेंगे और सेल्सियस स्केल वाला ले लेंगे, और दोनों को हम गुणा भाग करके सेल्सियस स्केल में उसको वैल्यू नहीं इंक्लूड कर देते हैं, नहीं निकाल देते हैं। अगर फ़ारेनहाइट स्केल में दे दिया रहे, अगर सेल्सियस स्केल का वैल्यू पूछे तो ये वाला इसका रिलेशन कर लेंगे, यानी ये दोनों को हम इंटर रिलेट कर देंगे तो आपका फ़ारेनहाइट स्केल में निकल जाएगा। अगर मान लेते हैं सपोर्टेड फ़ारेनहाइट स्केल में दे दिया है, सेल्सियस स्केल में पूछे तो ये वाला फार्मूला को सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल वाला फार्मूला के बीच हम एक इंटर रिलेशन निकाल लेंगे, उसके बाद आसानी पूर्वक से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो चार एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद यह समझ में आएगा बाबू। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल वन की हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल वन की हम बात करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री सेल्सियस है, और इसको बोलेगा कि फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज कीजिए, यानी किस में चेंज कीजिए बाबू, फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज कीजिए। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर सेल्सियस स्केल में दे दिया है, किसमें दिया है सेल्सियस स्केल में, और फ़ारेनहाइट स्केल में वैल्यू पूछ रहा है आपका, तो सेल्सियस स्केल का फार्मूला सी बटा 5 और बराबर यहाँ पर क्या होता है एफ माइनस 32 बटा कितना होता है बाबू 9। अब देखिए यहाँ पर सेल्सियस स्केल का वैल्यू कितना दिया है 40, और यहाँ पर बटा 5 और बराबर यहाँ पर एफ माइनस 32 और बटा क्या हो जाएगा बाबू 9, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंटर रिलेशन से यहाँ पर कटा देंगे तो 8 + 40 8 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना आ गया बाबू एफ माइनस 32 और बाटा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 9 × 8 कितना हो जाएगा बाबू 72, चाहे इस तरह भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो एफ माइनस 32 और बराबर क्या हो जाएगा 9 × 8 72, इतना हो जाएगा कि नहीं, और बताइए यहाँ तक कोई डाउट। अब देखिए यहाँ पर एफ बराबर यहाँ पर 72 और प्लस यहाँ पर माइनस में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 32, और यहाँ पर एफ बराबर 72 और 32 कितना होता है बाबू 102, कितना होता है 102, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट में चेंज किए तो यहाँ पर कितना आया बाबू 102 फ़ारेनहाइट स्केल चेंज हो गया। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट, इस फॉर्मूला को नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो नोट कर लीजिए अच्छे कॉपी कॉलम बनने लेकर। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए बाबू। अब देखिए अगले कंसेप्ट पर हम लोग बढ़ेंगे, यानी एग्जांपल अगले एग्जांपल करेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं तो एग्जांपल तो फर्स्ट देख लिए, अगर एग्जांपल सेकेंड की हम बात करते हैं, दो चार एग्जांपल हम बता देंगे यानी क्लियर कर देंगे तो आप लोग ऑटोमेटिक सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में बहुत आसानी पूर्वक से सॉल्व कर सकते हैं। दो चार एग्जांपल को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि फिजिक्स में इसका थोड़ा बहुत उपयोग होता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है उस वक्त, तो इसी वक्त आप लोगों को यूनिट और डायमेंशन में यह कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो यानी थर्मोडायनेमिक्स का जो राह होगा वह काफ़ी आसान हो जाएगा, यानी जो प्लेटफॉर्म होगा वह काफ़ी आसान हो जाएगा। और बाबू मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, हम लोग तो बिल्कुल हंसते खेलते फिजिक्स को सीखेंगे। चलिए बाबू यहाँ पर अगर मान लेते हैं सपोर्टेड 60 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, सेल्सियस वाला तो देख लिया, अगर मान लेते हैं 60 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल को कह देगा कि सेल्सियस स्केल में चेंज कीजिए, किसमें सेल्सियस स्केल में चेंज कीजिए, सेल्सियस स्केल में चेंज कीजिए, तो कैसे करेंगे जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर सेल्सियस स्केल में चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो सेल्सियस स्केल का फॉर्मूला क्या होता है सी बटा 5 और बराबर फ़ारेनहाइट स्केल में दिया है एफ माइनस 32 और बटा क्या होता है बाबू 9, इतना होता है कि नहीं, यह फार्मूला जहाँ समझ गए। अब सी बटा 5 अब बाटा यहाँ पर सी बाटा 5 बराबर एफ का वैल्यू कितना दिया है फ़ारेनहाइट में 60 दिया है, तो 60 माइनस 32 अब बाटा क्या हो जाएगा बाबू 9। अब देखिए यहाँ पर सी बाटा 5 बराबर 60 में से 32 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 28 बचेगा, कितना बचेगा 28,
कितना बचेगा बाबू 28 बचेगा और बटा में क्या बाबू 9 है और इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर 9c बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 में 5 से गुणा करेंगे तो 8 पर से 40 और 5 दूना 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सी बराबर 140 और बटा क्या हो जाएगा बाबू 9। अब यहाँ पर C बराबर और 140 में 900 हम भाग देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर 15 पॉइंट कितना आएगा 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए तो यहाँ पर सेल्सियस में वैल्यू आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, यहाँ तक बताइए कोई डाउट, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। यानी 140 में 900 हम जब भाग देंगे तो एक मरतब में कटेगा, उसके बाद यहाँ पर 9 पर से 45 यानी 15.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर आपका एक्चुअल्स में आएंगे। यहाँ तक कोई डाउट? और सबसे पहले इसको नोट डाउन नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर अगले कंसेप्ट पर हम चलते हैं, अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट यानी थिन हो गया, अब एग्जाम्पल चार की हम बात करते हैं यानी 2 हो गया, अब 3 की हम बात करते हैं। अगर मान लेते हैं सपोर्टेड केल्विन स्केल में दिया, जैसे यहाँ पर 20 केल्विन हो गया और यहाँ पर और पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट से स्केल में चेंज करके बताइए, किसमें फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करके बताइए, तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो केल्विन स्केल का फॉर्मूला क्या आप जानते हैं बाबू? अभिनु बताए थे के माइनस 273 अब बटा कितना 5, के माइनस 273 बटा कितना 5 और बराबर फ़ारेनहाइट स्केल का एफ माइनस 32 अब बटा कितना बताए बाबू एफ माइनस 32 बटा 9 नहीं आते हैं। अब के का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 20 और माइनस यहाँ पर 273 अब बटा कितना 5 अब बराबर यहाँ पर एफ माइनस 32 अब बटा कितना हो जाएगा बाबू 9 और 273 यानी 20 में से 273 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू यहाँ पर 252 आएगा। कितना आएगा 253 यहाँ पर माइनस का साइन आएगा अब बट्टा यहाँ पर 5 बराबर एफ माइनस 32 अब बट्टा कितना हो जाएगा 9 इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं तो 5 में f से गुणा करेंगे तो 5f और माइनस 32 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 15 160 और बराबर यहाँ पर 253 में 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 27 के साथ 2 और 9 पर से 45 और 2 46 47 47 के 7 हाथ में बचा 4 और 9 दूना 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 इतना हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रख देंगे कि नहीं, यानी माइनस 2277 हो जाएगा। उसके बाद जाए जरा यहाँ पर गौर करेंगे 5f बराबर माइनस 2277 और यहाँ पर माइनस में है तो इधर जाएगा था प्लस में हो जाएगा था 160 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5f बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर 160 को हम घटाएंगे तो 24 से कितना आएगा बाबू यहाँ पर 160 को हम जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2277 में से 160 को हम घटा लेंगे तो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 यानी 2100 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर f बराबर कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर 2117 अब बटा कितना हो जाएगा 5 और भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 यानी यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे 5 चौका 20 और यहाँ पर 1 बचा 5 दूना 10 और यहाँ पर 5 तियाई 15 उसके बाद यहाँ पर 2 बचा 5 चौका 20 यानी आपका आ रहा है f का वैल्यू आ रहा है माइनस 42 यानी 423.4 डिग्री सेल्सियस। और बताइए यहाँ तक कोई डाउट और आसानी पूर्वक से चेंज कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ तक बताइए कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई प्रकार की डाउट नहीं होगा बाबू, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे और समझ गए हैं तो सबसे पहले बाबू इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट?
और नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और अगले लेक्चर्स में आप लोग को मिलेंगे कुछ अलग हम लेक्चर्स लेकर। थैंक यू सो मच।